दोस्तों नमस्कार, आज मैं आगरा के किले से आपको रूबरू कराता हूँ। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस किले के बारे में यह कहा जाता है कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के सम्राट सिकंदर लोदी ने इसको डेवलप किया, इसके बाद में उसके भाई इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अकबर ने मुख्य रूप से इसमें काम किया और अकबर ने यहाँ पे अनेक विकास किए। सबसे बड़ी बात चीज ये है कि यहाँ उनको खजाना मिला और इसे उन्होंने अपनी कुछ दिनों तक राजधानी के रूप में शामिल किया। यह पहले ईंट का बना था, लेकिन बाद में राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर को मंगाकर इसमें तमाम बिल्डिंगें बनवाई गई और मुगलों ने यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। यहीं पर उनके कई उत्तराधिकारियों का जन्म हुआ, जैसे जहांगीर, शाहजहां, ये सारे बड़े महान उत्तराधिकारी रहे। इनके समय में यह लाल किला लगातार वृद्धि करता गया और एक गौरव का प्रतीक बन गया। इस लाल किले में उन्हें कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था और इससे वे काफ़ी मालामाल हो गए और उन्होंने भारत में तमाम लड़ाइयां जीती। अकबर ने काफी समय तक यहां शासन किया और कई महलों का निर्माण किया। साथ ही साथ अपने रहने के लिए उन्होंने दीवाने खास, दीवाने आम आदि बिल्डिंगों का निर्माण किया। बाद में उनके उत्तराधिकारी जहांगीर तो ज्यादा कुछ नहीं कर सके, लेकिन शाहजहां ने भी यहां पे काफी निर्माण कार्य कराए। शाहजहां ने तो काफ़ी दिन तक शासन किया। ये सामने की जो बिल्डिंग इसमें दिख रही है, ये जहांगीरी महल है। इसे अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए बनवाया था। इसके अंदर आप जैसे जैसे एंट्री करते हैं, तमाम बिल्डिंगें आपको दिखती हैं जो मुगल काल के स्थापत्य कला, वास्तुकला और चित्रकला से आपको रूबरू कराती हैं। वैसे एक बात बताना चाहूँगा, ये शीश महल है जहाँ पे मुस्लिम राजा अपने कपड़े बदला करते थे, चेंज करते थे। साथ ही साथ ये जो दोस्तों, अब लाल किला को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यह दीवाने आम है जहां पे राजा जनता की बातें सुना करता था। साथ ही साथ इस बिल्डिंग में कई भवन बने हुए हैं, कई मस्जिदें हैं, अपने मीना बाजार है। आप अंदर छोटी छोटी इमारतों के बारे में आप जानेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस हिस्टोरिकल इमारत का आप जरूर दर्शन करें। यह इस टाइम भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में है, जहाँ पे बहुत ही कम एंट्री फीस है। अगर आप इंडियन हैं तो लगभग 50 रुपया, और अगर आप विदेशी हैं तो 550 रुपये के खर्च में आप 550 रुपये में आप देख सकते हैं। ये सामने के बाग दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय तत्व का विकास है। ये देखिए कितनी इनकी वास्तुकला लाल पत्थर से। ये सामने की जो बिल्डिंग सफेद दिख रही है संगमरमर की, यह क्या है? यह दीवाने खास है जहाँ पे राजा गुप्त मंत्र किया करते थे। साथ ही साथ इन बिल्डिंगों के निर्माण में बहुत ज्यादा उस टाइम खर्च आए हुए होंगे, लेकिन इन राजाओं ने अपनी वास्तुकला को, अपने महल को भव्य दिखाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप आगरा आए तो आगरा का किला जरूर देखें और ये देखें कि भारत पे मुस्लिम सत्ता ने किस प्रकार राज किया। मुगल बाहर से आए थे लेकिन वो भारत के ही रह गए। ये देखिए उनकी वास्तुकला का नमूना, हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण है लाल किला आगरा का। बाद में उन्होंने दिल्ली को हालांकि अपना शाहजहां ने डेवलप किया, लेकिन आगरा से अकबर और शाहजहां का बहुत महत्वपूर्ण स्थान और रोल है। ये सामने की जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। खास महल है जहां पे लोग खास मंत्रण किया करते थे। साथ ही साथ ये यहां पे इनके कई आपस में मीना बाजार से संबंधित बिल्डिंगें थीं जो कि जो रानियां थीं उनके लिए स्पेशलिस्ट थी। ये आप देखिए इनके बाग थे। जब आप बिल्डिंग्स में जैसे जैसे यात्रा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो मुस्लिम वास्तुकला थी या फिर जो हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला थी,
उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण स्थान रहे। अब इस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। ये लाल किला का बाहर की तरफ का जो ग्रीनरी दिख रही है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा डेवलप किया गया था। ये देखिए मुसम्मन बुर्ज है, इस बुर्ज से ही शाहजहां जो है ताजमहल को देखा करता था। कहते हैं कि शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने उसको यहाँ पे नज़रबंद कर रखा था काफ़ी दिन के लिए, 7 साल लगभग उसने गुजारा है। बाद में यहीं उसकी मृत्यु हुई और उसे ले जाकर फिर बाद में उसकी बेटी जहाँ आरा जो है उसे ताजमहल में दफनाती है। यहाँ से ताजमहल का भी दृश्य देखा जा सकता है। आप जब भी कभी आगरा आए तो एक बार आगरा फोर्ट का दर्शन करें, देखें, समझें। अगर आपको इतिहास पसंद है तो आप ज़रूर देखना चाहेंगे, किताबों के पन्ने से निकल कर प्रैक्टिकल भी देखना चाहेंगे कि आखिर हमारे देश में जो जिन लोगों ने शासन किया, जो सत्ताएं रहीं, जिन्होंने यहाँ का विकास किया, यहाँ के डेवलपमेंट में काम किया, उनके द्वारा बनाई गई इमारतें कैसी हैं और कैसी लगती हैं। जो भी आप ये दृश्य देख रहे हैं, खास महल लोग यहाँ आते हैं और उन लोगों के जो अद्भुत कारनामे हैं, आज तक ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। हालांकि आजकल इनकी रक्षा पुरातत्व विभाग करता है, लेकिन जो भी इमारतें इतने सालों से बनी हैं, यहाँ पे लोग आते हैं और देखते हैं, बड़ा ही मन खुश होता है देखकर कि भारत की विरासत कितनी अच्छी थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।